नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। राजकुमार संतोषी को भारतीय सिनेमा में उनके पथ प्रदर्शक फिल्मों के योगदान के लिए जाना जाता है। अब गांधी गौड से एक युद्ध के साथ दिग्गज निर्देशक 9 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म 26 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में हिट होने के लिए पूरी तरह तैयार है। निर्माताओं ने आज फिल्म का मोशन पोस्टर जारी किया है। वीडियो में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच विचारधाराओं के युद्ध को दर्शाया गया है, जिससे दर्शकों के बीच फिल्म देखने के लिए उत्सुकता का स्तर बढ़ गया है। महात्मा गांधी की भूमिका बहुत प्रतिभाशाली दीपक अंतानी द्वारा निभाई गई है, जबकि चिन्मय मंडलेकर फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। गांधी गोडसे एक युद्ध राजकुमार संतोषी और असगर वजाहत द्वारा लिखी गई है। संतोषी प्रोडक्शन LLP एक PVR पिक्चर्स रिलीज प्रस्तुत करता है। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित, AR रहमान द्वारा संगीत, मनीला संतोषी द्वारा निर्मित यह फिल्म 26 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं आपको बता दें, राजकुमार संतोषी को सलमान खान, आमिर खान के अंदाज अपना अपना, रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ की अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी क्लासिक फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। ऐसे ही और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।